सम्मान किया, उनका समर्थन किया। 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपए था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपए दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपए से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपए की व्यवस्था की। इन 2020-21-22, इफ आई गो बैक जस्ट वन ईयर, इन 21-22 एंड द स्पेंड बाय द मोदी सरकार ओनली इन वन फाइनेंशियल ईयर वॉज 18,208 करोड़। मैं आपकी अनुमति से सर कहना चाहूंगी कि पहली बात तो आंगनबाड़ी हमारी जो सेविका है और आशा वर्कर दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं। जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी खेमे में, उसका काम विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली इज डन बाय द आशा वर्कर एंड नॉट द आंगनबाड़ी वर्कर। हावेवर सर, क्योंकि कोविड का उल्लेख हुआ, गोपाल जी भी सदन में आज नहीं है लेकिन उन्होंने भी इसका उल्लेख किया, एंड वी पेड स्पेशल होमेज एंड ग्रेटिट्यूड वॉज एक्सप्रेस टू आंगनबाड़ी वर्कर्स ओवर द फ्रंट लाइन ऑफ हेल्पिंग द नेशन ड्यूरिंग कोविड। द प्राइम मिनिस्टर प्रोनाउंस्ड इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दैट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस पैकेज फॉर दोज आंगनबाड़ी वर्कर्स हु आर डेजिग्नेटेड बाई डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अथॉरिटीज टू वर्क इन कोविड टाइम्स विल ऑल्सो कवर सच वर्कर्स अप टू 50 लाख रुपीज। Sir, to this day, I can confirm to this house that for Anganwadi workers, under this very package, 1,905 claims have been settled by the Government of India in collaboration with state governments. Sir, this house is aware that Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana were pronounced by this very government. It was the endeavor of the ministry that Anganwadi workers and helpers get the support even under these national initiatives. I am happy to, sir, report to this house that for a premium of 330 rupees per worker under the Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana, the premium was paid by the Government of India covering all Anganwadi workers under these two schemes. कि भारत सरकार ने हमारे मंत्रालय की ओर से 2019 में ही 5 नवंबर सभी चीफ सेक्रेटरीज को प्रदेश सरकारों में लिखकर ताकीद की गई, बार बार इसका हम उल्लेख करते हैं कि कृपया आंगनबाड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त काम ना दें। दे आर ऑनररी वर्कर्स हु वर्क फॉर ऑनरेरियम्स आर नॉट एम्प्लॉयज and hence cannot be given added work. This is a communication, sir, which I hold in my hand, which is close to 3 years old. Yeah, और उसकी confirmation technologically जनपद में काम करने वाली आंगनवाड़ी बहन ने स्वयं पोषण ट्रैकर पर दी है। आंगनवाड़ी बहन के ऊपर विशेष भार आता है कि वो पल्स पोलियो की ड्रॉप्स दे रही हैं, लेकिन वो काम आशा बहन करती है, आंगनवाड़ी बहन नहीं करती है। कि ये सत्य है कि 12,000 रुपए देते थे, स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं तो उसे 36,000 किया गया। ये इस बात का संकेत है दैट द मोदी गवर्नमेंट इज एम्पथेटिक एंड क्विकली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द आंगनबाड़ी सिस्टम। ये हूं कि राष्ट्र में पहली बार आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनबाड़ीज में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी, इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनबाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है। लेकिन सर,
उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर, उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनबाड़ी में सेवा लेते हैं, उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो, उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो, उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं, ताकि आंगनबाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। आज सर मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि लगभग 10 करोड़ हमारी आंगनबाड़ी जो बहने बेनिफिशियरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी सर एक अनोखी बात आई है। पहला तो सर, पहली बार हमारे देश में 90% इस 10 करोड़ में से 90% जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दे आर नाउ सर आधार सीडेड, सो द डेटा इज कंप्लीटली वेरीफाइड ऑल द वे डाउन टू द ग्रास रूट। अब आंगनवाड़ी की सेवा अगर कोई महिला या कोई परिवार, मान लीजिए झारखंड में लेते हैं, वो झारखंड छोड़ के अगर दिल्ली आते हैं, तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। भारत सरकार को और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि ये महिला अथवा ये बच्चा उस प्रदेश को छोड़ के किसी और प्रदेश में गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। प्रशासनिक समन्वय में भी उसको चरितार्थ कर दिखाया पोषण ने, और 18 मंत्रालयों ने एक साथ देश में आंगनबाड़ी सर्विसेज को और कैसे हम मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें, उसके संदर्भ में अपना काम शुरू किया। काम चलता है, हमने मनरेगा के साथ समन्वय किया, 50,000 से ज्यादा इस 3 साल की अवधि में नए आंगनबाड़ी बनाए, जो रेंटेड प्रमाइसेस से थे उसको हमने शिफ्ट कराया, लगभग 55,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही सर, रेंट की जब बात आती है तो ग्रामीण अंचल में विशेष इसी सर